इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड पैड के बारे में। वर्ड पैड माइक्रोसॉफ्ट का अपना एप्लीकेशन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है रेज्यूमे या कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर या कोई लिस्ट बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड पैड कैसे यूज करना चाहिए और इसमें जो फंक्शंस होते हैं किस फंक्शन का क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड पैड ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे विंडोज एसेसरीज में। विंडोज एसेसरीज में आपको विंडोज के सभी सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर यह है विंडोज एसेसरीज, इसमें यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वर्ड पैड मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे बाद में आपको विंडोज एसेसरीज में नहीं जाना पड़ेगा। आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे और आपके सामने वर्ड पैड यहाँ पर आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप लेटर्स लिख सकते हैं, रेज्यूमे बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। मतलब कि ये नोटपैड से थोड़ा एडवांस है, इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड पैड में क्या होता है। फर्स्ट यहाँ पर ये टाइटल बार है, आप फाइल का जो भी नेम सेव करेंगे वो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि ये फाइल है और इसको मैं सेव कर देता हूँ ईशान के नाम से। ईशान, यहाँ पर लोकेशन मैं चूज़ कर लेता हूँ कहाँ पर सेव करनी है और सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ईशान लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि फाइल का नाम है ईशान। यहाँ पर ये शॉर्टकट्स हैं, ये सेव के लिए, ये अनडू और ये रीडू। यहाँ पर क्लिक करके आप और भी शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि न्यू। अब देखिए यहाँ पर ये न्यू शॉर्टकट आ गया, ओपन। अब यहाँ पर ये मेन्यू है, इसमें आपको तीन मेन्यू दिए गए हैं, फाइल, होम और व्यू। फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल के ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले है न्यू, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। न्यू पर क्लिक करके आप कोई न्यू फाइल यहाँ बना सकते हैं। दूसरा है ओपन, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओ। इस पर क्लिक करके आप पहले से जो बनी हुई फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर सेव है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस। सेव पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर सेव एज, सेव एज पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को किसी अदर फॉर्मेट में या फिर किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी फाइल है ईशान के नाम से, हम चाहते हैं कि इसी फाइल को हम सेव करें सिड के नाम से, तो हम सेव एज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिड टाइप कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फाइल अब सिड हो गई है। हालांकि पहली वाली फाइल भी डिलीट नहीं हुई है, वो भी यहाँ पर रखी हुई है। आप देख सकते हैं ईशान और सिड, यानी एक ही फाइल हमने दो नामों से सेव की है। तो जब हमें किसी फाइल को किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट में आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें एक है प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल प्रिंट होगी वो कैसी होगी। और प्रिंट प्रीव्यू में आपको बाकी के दोनों ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। प्रिंट पर क्लिक करके डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं और पेज सेटअप पर क्लिक करके यहाँ से आप पेज को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले साइज, आजकल ज़्यादातर A4 चलता है तो A4 चूज़ कर लेंगे। और बाकी नीचे यहाँ पर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लैंडस्केप में आपका पेज कुछ इस तरीके से शो होगा, जबकि पोर्ट्रेट में ये लंबाई में शो होगा। और यहाँ पर मार्जिन, पेज के चारों तरफ जो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं मार्जिन। वो मार्जिन आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। जितने आप यहाँ पर नंबर्स बढ़ाएंगे उतनी ही मार्जिन बढ़ेगी। जैसे कि अगर आपको लेफ्ट में 2 इंच की मार्जिन रखनी है तो आप यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे तो देखिए लेफ्ट में यहाँ पर 2 इंच की मार्जिन हो चुकी है। यहाँ पर एक ऑप्शन है पेज सेटअप का, पेज सेटअप का ऑप्शन आपको प्रिंट में भी मिल जाता है, यहाँ अलग से भी मिलता है। इस पर क्लिक करके आप अपने पेज को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। दूसरा मेन्यू है होम, होम में आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स मिलते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। ये भी लगभग आपको सभी प्रोग्राम्स में मिलते हैं, इसलिए इनको भी आपको एक बार ही समझ लेना है। सबसे पहले है कट, कट पर क्लिक करके आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर कट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, अगर मुझे इसे कट करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो यहाँ मैं कट पर क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा और फिर मैं पेस्ट पर क्लिक करके इसको किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर है कॉपी, इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी पर क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा और फिर हम दूसरी जगह जाकर यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। कट और कॉपी में फ़र्क ये होता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को कट करते हैं तो उसमें वो एक जगह से बिल्कुल गायब हो जाता है। देखिए यहाँ से गायब हो गया
अब हम किसी दूसरी जगह जाकर इसको पेस्ट करेंगे तो ये वहाँ पर आ जाएगा। जबकि कॉपी में ऐसा होता है कि एक टेक्स्ट आप कॉपी करते हैं तो वो वहाँ भी बाकी रहता है और दूसरी जगह भी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट की फॉर्मेटिंग मिलती है, आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो चाहे वो फॉन्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं और इंटरनेट से डाउनलोड करके आप यहाँ और भी फॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉमिक सेंस चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट कॉमिक सेंस में चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, जिस टेक्स्ट का भी आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं उसको आप चूज़ करेंगे और यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मुझे 22 चाहिए तो देखिए 22 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं, अगर आप इस स्मॉल ए पर क्लिक करेंगे तो साइज़ छोटा होगा, जबकि अगर आप इस बिग ए पर क्लिक करेंगे तो साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर बी है, बी का मतलब होता है बोल्ड, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट फिर से पतला हो जाएगा। बोल्ड करने के लिए आप हमेशा अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जितना टेक्स्ट आप बोल्ड करना चाहते हैं और उसके बाद बी पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आई, आई का मतलब होता है इटैलिक, इटैलिक मतलब टेढ़ा। तो अगर आपको यहाँ अपने टेक्स्ट को टेढ़ा करना है, इटैलिक करना है तो आप अपने टेक्स्ट को चूज़ करेंगे जिसको आप इटैलिक करना चाहते हैं। इसके बाद आई पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर देखिए इटैलिक हो गया, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया। यहाँ पर यू है, यू का मतलब होता है अंडरलाइन, मतलब अगर आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप उतने टेक्स्ट को यहाँ पर चूज़ करेंगे जितने के नीचे आप अंडरलाइन देना चाहते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ यू पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी जो कि आपने कई आर्टिकल्स में देखी होगी। यहाँ पर ये ABC है, इसका मतलब होता है स्ट्राइक थ्रो, इसका मतलब होता है कि आप टेक्स्ट के बीच में लाइन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बीच में लाइन देनी है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ABC पर क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट के बीच में लाइन आ गई, इसका मतलब होता है कि इस टेक्स्ट को कट कर दिया गया है। अब यहाँ पर यह है सब स्क्रिप्ट और यह है सुपर स्क्रिप्ट। आपने देखा होगा जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूले में जैसे हम लिखते हैं H और उसके बाद हम लिखते हैं 2, तो 2 थोड़ा सा ऊपर होता है। यहाँ पर मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से शो हो। तो यहाँ पर आप देखिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो 2 इस तरीके से नहीं लिखा होता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अगर हम इसे ऊपर करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम कहीं पर फॉर्मूले लगाते हैं तो फॉर्मूले लगाने के लिए यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। सब स्क्रिप्ट में नीचे की तरफ जाता है और सुपर स्क्रिप्ट में ये ऊपर की तरफ आता है। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर मैं ए पर क्लिक करूँगा और इसमें काफ़ी सारे कलर्स दिए गए हैं, इनमें से कोई एक कलर मैं चूज़ कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का भी कलर चेंज करूँ लेकिन टेक्स्ट का नहीं बल्कि इसके बैकग्राउंड का, तो उसके लिए हम यहाँ पेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं येलो चूज़ कर लेता हूँ तो अब आप देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये ज़्यादातर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए बस आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये है पैराग्राफ के ऑप्शंस, जिसमें आप पैराग्राफ की सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट को देखिए, ये लेफ्ट साइड में है, अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ सेंटर पर क्लिक करेंगे, पूरा टेक्स्ट यहाँ सेंटर में हो जाएगा। अगर हम इसको राइट साइड में करना चाहते हैं तो हम अलाइन टेक्स्ट राइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा टेक्स्ट राइट में हो जाएगा। और अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं यानी ना सेंटर ना लेफ्ट ना राइट, तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जस्टिफाई पर क्लिक कर देंगे, पूरा टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब ये होगा कि लाइन जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है बिल्कुल बराबर होगी। इसके बाद यहाँ पर ये इंडेंट है, इसके ज़रिए आप किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट में या राइट में सरका सकते हैं। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, इसको हम सरकाना चाहते हैं राइट साइड में, तो हम यहाँ एक बार क्लिक करेंगे थोड़ा सरक जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो और सरक जाएगा। तो इस तरीके से जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतना ही ये टेक्स्ट इधर को सरकता जाएगा। अगर हम इसको लेफ्ट में सरकाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लेफ्ट वाले पर क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट में सरकता जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यह है बुलेट, बुलेट में यहाँ पर डॉट है, साथ ही 1 2 3 ABC ABC स्मॉल है,
जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो वहां पर हमें 1, 2, 3 या ABC इस तरीके से लिखना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जितने को हम बुलेट देना चाहते हैं, और यहाँ से कोई भी टाइप की बुलेट हम दे सकते हैं। ये डॉट है, यहाँ पर ये 1, 2, 3 है, ये ABC स्मॉल, ABC कैपिटल, तो यहाँ से हम इस तरीके से चूज़ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये लिस्ट बन जा रही है। यहाँ पर ये पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ बीच में थोड़ी स्पेस ज़्यादा आ जाए, तो हम दोनों पैराग्राफ को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे कितनी स्पेस हम देना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी स्पेस दे दी गई है। अगर हम स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ पे आएंगे और यहाँ से हम 1, 1.15, 1.52 जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए आप स्पेस शो हो रही है। अगर हम यहाँ कर्सर रख के इसके बाद इस वाले ऑप्शन को अनचेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर से वो स्पेस गायब हो जाएगा। तो पैराग्राफ के बीच की स्पेस को आप यहाँ से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये है पिक्चर का ऑप्शन, इसके ज़रिए आप अपने टेक्स्ट में जो भी आप रेज्यूमे बना रहे हैं, लेटर या कुछ भी आप बना रहे हैं उसमें पिक्चर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं रेज्यूमे बना रहा हूँ और मुझे एक फ़ोटो डालना है, तो जहाँ पर भी फ़ोटो आपको डालना है वहाँ पर कर्सर रखेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी पिक्चर रखी हुई है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं इस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर हमारे टेक्स्ट में एक फ़ोटो आ चुकी है। यहाँ से हम फोटो का साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पेंट ड्राइंग। अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप पेंट में जाएं और वहाँ पर ड्राइंग बना लें। लेकिन अगर आपको अपने लेटर में या अपनी एप्लीकेशन या जो भी आप बना रहे हैं उसमें कोई ड्राइंग डालनी है तो आप यहाँ ड्राइंग पर क्लिक करेंगे और आप यहीं पर ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल डाल के उसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ रेड। इसके बाद अगर हम यहाँ से पेंट को क्लोज करेंगे तो देखिए जो ड्राइंग हमने बनाई है वो यहाँ पर शो होगी। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप अपने वर्डपैड की फाइल में एक ड्राइंग डाल सकते हैं। अब आपको अगर किसी जगह पर डेट एंड टाइम डालना है तो आप कर्सर वहाँ रखेंगे, डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे, कौन से फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। आज की जो करंट डेट और टाइम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस है, फाइंड पर क्लिक करके तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें फाइंड करना है कि हमारी एप्लीकेशन में 95 किधर है, तो 95 टाइप करेंगे, फाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए 95 यहाँ ये है, तो ये इस तरीके से फाइंड करता है। अगर हम किसी चीज़ को फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, किस चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ वर्ड को और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वर्ल्ड के साथ, तो यहाँ पर वर्ल्ड लिखेंगे, उसके बाद रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल में जितने भी वर्ड थे वो सब वर्ल्ड में रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं MS वर्ड के, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई स्टोरी टाइप करिए जो भी आपकी याद है, चाहे आप किसी बुक्स में देख करके लिखिए, तो इसमें आप कम से कम 3-4 पेजेस भरिए। उससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप इन सभी फंक्शंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ नीचे जूम है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इस पर क्लिक करके जूम आप कम कर सकते हैं और यहाँ इस पर क्लिक करके आप जूम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर व्यू है, व्यू में आपको यही जूम और रूलर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको अनटिक करेंगे तो रूलर यहाँ से हाइड हो जाएगा, टिक करेंगे तो यहाँ पर ये रूलर आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी टाइपिंग कैसे की जाती है और आप हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं।